आप सभी को 8 नवंबर 2016 का वो दिन तो याद होगा जब रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी चैनल पर आए थे और उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे से पाँच सौ हज़ार के सारे नोट बंद। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि पता नहीं ये क्या हो गया लेकिन उन्होंने इसके साथ एक दलील भी दी थी कि इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा काला धन खत्म हो जाएगा नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा और पता नहीं कितनी तरीके की भी विधि थी, थी लेकिन उसके चार साल बाद भी न तो आतंकवाद ख़त्म हुआ न काला धन वापस आया ना नक्सलवाद ख़त्म हुआ और बल्कि बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई हमारी जीडीपी डी तेईस परसेंट से नीचे आ गई और हमारे जो भी गरीब मजदूर थे हमारे जो सामान्य नागरिक थे सामान्य परिवार के लोग थे उनका सामान्य जो उद्योग धंधा था वो भी चौपट हो गया और यहाँ तक कि उन्होंने जो कहा था कि एक महीने इसका इंतज़ार करो और उसके बाद अगर मेरा ये निर्णय गलत हुआ तो आप जिस चौराहे पर आप मुझे कहेंगे मैं वो सज़ा लेने को तैयार लेकिन एक महीना तो छोड़िए चार साल के बाद जो अभी बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है उसके साथ साथ जो बेतहाशा क्राइम बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है मोदी जी तो ये नोटबंदी का जो निर्णय था वो आम जनता के लिए नहीं था सामान्य परिवार के लिए नहीं था महिलाओं के लिए नहीं था हमारी बहनों के लिए नहीं था हाँ लेकिन भाजपा के लिए जरूर था जिन्होंने इस पैसे को इकट्ठा करके और अपने को चंद पूंजीपति जो मित्र थे उनका कर्जा माफ़ किया और उनको विदेश जाने दिया तो मोदी जी आज हम चौथी वर्ष वर्षगांठ में आपसे मांग करते हैं कि आप इस गलत डिसीजन के लिए देश से माफ़ी मांगिए और बोलिए कि हमारा ये निर्णय गलत था और इसमें मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इसी मुहिम में जड़े जिससे कि मोदी जी के कान तक ये बात पहुँचनी चाहिए जय हिंद जय कांग्रेस